दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एक पैसिव इनकम लगातार आपके पास आता रहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद, तो ये वीडियो आप कंटिन्यू आखिर तक देखें, ताकि आपको हर एक वो बात समझ में आ सके कि जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो सके और आप भी मेरे तरह एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। सबसे पहले हम यहाँ पर एक विड्रॉल प्रूफ दिखाना चाहते हैं। उसके लिए हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विड्रॉल का वॉलेट है जहाँ पर जीरो है, बट जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन लिस्ट जो है वो आपके सामने, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मेरा विड्रॉल है 5 अगस्त 2023 है और यहाँ कंटिन्यू विड्रॉल दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ विड्रॉल की जो टाइमिंग है मिनिमम 12 आवर की है और 12 आवर के भीतर यहाँ पर विड्रॉल आपके अकाउंट पर क्रेडिट किया जाता है। बैंक अकाउंट, फोन पे नंबर जो भी आप इसमें अपलोड किए होंगे उसी पे आपको आपका पेमेंट मिल जाता है। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि विड्रॉल जितना भी हम करते हैं उसका लगभग का वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोट 3 प्रो का वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उससे क्लिक करके आप मेरे तमाम विड्रॉल का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे दोबारा अपना री इन्वेस्टमेंट $200 का करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिपॉजिट करने का तरीका है वो दो अलग तरीका है। पहला जो तरीका है उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी टाइटल को आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो काफी टेक्निकल है, इसके वजह से कुछ हमारे व्यूअर जो है वो बताए कि थोड़ा सिंपल कोई और टेक्निक है या तरीका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो हमें वीडियो के माध्यम से बताइए। तो आज जो सिंपल तरीका है वो तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और जो कि 100% सिक्योर भी है। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस हम आज बताने वाले हैं उस प्रोसेस से, तो चाहे तो आप हमें पहले कॉन्टेक्ट कर लें, उसके बाद ही आप जो है डिपॉजिट करें। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम महसूस होता है तो, या फिर आप आराम से यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। मैंने उस आईडी को ओपन कर लिया है जिस आईडी पे हमें री इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उससे पहले आपको उस आईडी की पुरानी इन्वेस्टमेंट आपको दिखा दे। पुरानी जो मेरी इन्वेस्टमेंट है इसके भीतर वो है, आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा सेल्फ इन्वेस्टमेंट है वो है $100। ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुका है, इसके बावजूद हम यहाँ पे $200 इन्वेस्ट करने वाले हैं। और आपको यहाँ पे बता दें जो $100 मेरा इन्वेस्टमेंट है उसके बदले में अभी तक हमें $8.50 यहाँ पे मिल चुका है, जो कि ये आईडी है वो आप देख सकते हैं। और इसी आईडी पे आज दोबारा $200 का टॉपअप करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो ये मेरा SBI का इनो एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ पे आप डिटेल देख रहे हैं वो डिटेल बोट 3 प्रो के ही है, जो कि भारत के वैसे लोगों के लिए है जिन्हें ऑनलाइन डॉलर खरीदने की जानकारी नहीं है, या फिर वहाँ पे जो ऑनलाइन डॉलर की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद उनको ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है। अगर आप कंपनी के थ्रू इस तरह से बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करके अगर आप डॉलर को खरीदते हैं तो 91-92 जो कि इसी के आसपास, या फिर कभी कभी बहुत रियर केस के भीतर 93 रुपीज पर डॉलर के आसपास रेट लगेगा, लेकिन मिनिमम जो है 91 रुपीज से लेकर 92 रुपीज पर डॉलर के आसपास यहां पे रेट देना होता है, जिसके लिए हमें पहले से कंपनी से बात करनी होती है, या फिर आपके जो अपलाइन होंगे वो आपको इसकी जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर जो हमने नाम लिखा विमल कुमार पात्रा का, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ और IFSC कोड है, इन्हीं के बैंक अकाउंट पर बार बार हम लोग सेंड करते हैं और इनसे हमें डॉलर मिल जाता है डायरेक्ट यूज़र आईडी के ऊपर, बोट 3 प्रो की जो आईडी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं जो हमने लिख रखा है, जो यहाँ पर अमाउंट है 18,200 रुपया, $200 का कीमत है। इसे आप 91 रुपीस पर डॉलर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं जो कि मेरा ट्रांजेक्शन वो कम्प्लीट हो गया है, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ चुका है।
और सक्सेसफुल का मैसेज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जो कि 18,200 रुपया है। इस स्क्रीनशॉट को अब हमें ट्रांसफ़र करना है उन्हें जो हमारे अपलाइन है जिन्होंने हमें इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा। तो काफ़ी जल्द ही हमें हमारा $200 हमारे आईडी पे ट्रांसफ़र करवा देंगे। दोबारा रिफ्रेश करने के बाद और लगभग 10 से 12 मिनट हमारा वो जो ट्रांजैक्शन है उसकी टाइमिंग हुई थी और 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो फंड है $200 वो यहाँ पे क्रेडिट हुआ या फिर नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो ई वॉलेट के अंदर हमारा फंड आ चुका है। और वैसे आपको हम नीचे दिखा दें कि जो मेरा सेल्फ इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी 100 का है, लेकिन अभी जो फंड हमने सेंड करा उसके बदले में हमें $200 दिया गया जो कि कंपनी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिवेशन एंड टॉपअप जिस पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ इन्वेस्ट नाउ का एक ऑप्शन मिल रहा है जिस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। उसके बाद आपको तीन अलग अलग जो है कि ऑप्शन दिख जाते हैं जिसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स कि अगर आप इसी यूज़र आईडी पे अपना ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट का बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप किसी अलग यूज़र का वॉलेट को आप चाहते हैं एक्टिवेट करना तो अनदर यूज़र टॉपअप पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अगर आप इसे ई वॉलेट टू ई वॉलेट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि इस वॉलेट से आप किसी भी अपने फ्रेंड को या फैमिली को और 3 Pro के वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पे खुद अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सेम आईडी पर, दैट मीन्स कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो है $200, तो $200 हमें यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर देंगे। सबमिट होते ही विद इन कुछ सेकेंड के भीतर आपका जो है फंड वो इन्वेस्ट हो जाता है। इसे चेक करने के लिए आप जो है कि डैशबोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं यहीं पे। उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का मेरा सेक्शन था उस सेक्शन में जाकर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाता है टोटल $300 मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो कितना आसान तरीका है यहाँ पे फंड इन्वेस्टमेंट करना या फिर डिपॉजिट करना। तो अगर आप चाहते हैं बोर्ड 3 Pro के अंदर इन्वेस्ट करना तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हम आपको टेक्निकल हेल्प कर सकें और आप अधिक अर्निंग कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।